हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म पर डिस्कशन किया था, और एक मैंने होमवर्क की भी लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर होमवर्क करने में दिक्कत आ रही है, तो यार देखो पूरी शीट तो डिस्कस नहीं की जा सकती, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर उन्हें डिस्कस कर दूँ। ठीक, कोशिश करूँगा, कमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम परमिट करेगा तो यार है ना बहुत सारा काम है तुम्हारे लिए। पी वाई क्यूज भी रिकॉर्ड हो रहा है, इस वीडियो के बाद अगले दिन पी वाई क्यू होगा, फिर एक वीडियो आएगा, फिर लगातार कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। चलो, तो करना बस इतना ही है कि लगातार कनेक्ट रहना है, रेगुलर बेसिस पे देखना है और अपने आप को चैनलाइज करना है इस चैनल के थ्रू कि हमें किस टाइम पे कौन सा चैप्टर ख़त्म करना है। अगर तुम मेरे पेज पे चले तो सिलेबस आराम से ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी ही क्लासों से दी जा रही है, इस बात के लिए निश्चिंत रहो। जैसे जीओसी हम लोगों ने 6 क्लास की, आइसोमेरिज्म में भी लगभग 5 क्लास करेंगे, और 10-11 क्लास का वेटेज, मतलब कि जेई में 2-3 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं इसके, तो इसीलिए इसका वेटेज भी ज़्यादा है, इसीलिए इसे टाइम भी ज़्यादा दे रहा है। और ये बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स कब आएंगे, बिल्कुल भाई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद सारे टॉपिक इन सीक्वेंस आते जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, चैप्टर्स लगातार आएंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और ये मैं मानता हूँ कि तुम लोग चैनल को लाइक भी कर रहे होगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होगे और दूसरों तक पहुँचा भी रहे होगे कि भाई ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा तो फिर हम लोग की फैमिली बड़ी हो जाएगी। हम लोग 4,000 मार्क तक नहीं पहुँच पा रहे, 10,000 तो बहुत दूर की बात है यार, पता नहीं कब पहुँचेंगे। चलो ठीक है, जब भी पहुँचेंगे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना, हम दोनों लोग अपना काम सही से करेंगे तो कभी ना कभी ऊपर वाला सुन ही रहेगा हमारी, है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग शुरू करते हैं बात को, डिस्कशन को अपने, और हम लोग कुछ ये सारा डिस्कशन या सारी शीट्स कहाँ पे मिलती हैं, dextercam.in अपनी प्यारी वेबसाइट, वहीं पे मिलेगी। और अध्याय में जाके हम लोग क्लिक करेंगे लेक्चर नंबर पे, तो वहाँ पे हमें शीट भी मिल जाएगी और लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे। यार एक आइडिया है क्या, मैं इन सारे नोट्स की क्या ई बुक बना दूँ क्या, एक सीधे ई बुक बना के दे दूँ कि काफ़ी लोगों का भला हो जाए उसे, ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर आइडिया है, अगर ये बात तुमने सुनी है वीडियो में तो मेरे को ज़रा कमेंट करके बताना कि सर हाँ इसकी ई बुक का फ़ायदा है या नहीं है, या फिर अलग अलग ही स्कैटर्ड ही रहने दें, ई बुक ना बनाए। अभी कुछ प्लान नहीं है ऐसा हैंड रिटन नोट्स की। नोट्स तो खैर मैं साफ ही लिखता हूँ, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि साफ है या और क्या इंप्रूवमेंट है, अगर कोई फीडबैक है तो वो भी दे सकते हो। बिल्कुल, हम लोग ओपन है और ओपन पे तो फीडबैक आराम से दिया जा सकता है कि सर आपकी राइटिंग गंदी है, लिख दो भाई फिर, लेकिन अपनी भी लिखना उसके साथ साथ मेरी कैसी, ठीक, ये मत लिखना सर आपकी गंदी, मेरी बहुत गंदी है, ये नहीं चलेगा। अब ये लिखना सर कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे, जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल मैं इंप्लीमेंट करने की सोचता हूँ। आपने पी वाई क्यू उसकी रिक्वेस्ट की थी, मैंने पी वाई क्यू लाया, और जो ए टेट सीरीज़ है जिसमें अट्टे पर डे हम लोग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे 30 सेकंड में तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो, और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम लिखो, चैट में लिखो, कमेंट में लिखो, और तुम्हारी हर प्रॉब्लम के लिए एक 30 सेकंड की टिप लेके आएंगे, ये प्रॉमिस जरूर लेके आएंगे। उसके लिए लोग काम कर रहे हैं और जरूर हम लोग उस पर बिल्कुल क्रिएटिवली काम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिवली कि तुम्हें फ़ायदा हो उसका। ठीक है, डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में समझेंगे बिल्कुल बढ़िया से कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। वीडियो की लेंथ कुछ भी हो जाए, मोस्टली मेरे वीडियो की लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं हो पाती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ यार उसको टॉपिक ख़त्म हो जाता है ना। और अगर जो लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे वो ये जानते होंगे कि 1 घंटे के वीडियो को अगर लिख लिख के करोगे तो इट विल टेक मोर देन 3 to 4 hours, है ना, तो कंटेंट बहुत हैवी है। मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस बढ़े। कोई भी मैं जुगाड़ नहीं बता पाऊँगा यार, मेरे को जुगाड़ आती नहीं है ना, सिंपल बात है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर। ठीक है यार, अब चलो शुरू करते हैं अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, तो है ही ना लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक तो ये किसका पार्ट है, अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहें तो ये किसका पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो बेसिकली स्पेस में ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स अलग अलग होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द टू एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड, ठीक है, जनरली वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड्स के बीच में जब रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है, हम घुमा नहीं सकते, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। जैसे मैं तुम्हारे लिए आज कुछ मॉलिक्यूल्स भी लेके आया हूँ, देखो जैसे ये, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक। अब यार ये ग्रीन कलर है मेरे सामने, तो मैं ब्लैक ही दिख रहा होगा, ये मतलब ये ग्रीन वाला है, ये ब्लैक जो दिख रहा है ये ग्रीन है। तो अगर हम इस बॉन्ड को घुमाने की कोशिश करें तो ये टूट जाएगा, देखो ये पाई बॉन्ड है, दिख रहा, ये पाई बॉन्ड है,
परपेंडिकुलर टू द मॉलिकुलर, मतलब मॉलिकुलर प्लेन है, अगर मैं इसे घुमाने की कोशिश करूँ तो मैं घुमा नहीं सकता, लेकिन मैं इस सिग्मा बॉन्ड को आराम से घुमा सकता हूँ, यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ, देखो आराम से मैं हाथ नहीं घुमा रहा हूँ, मॉलिक्यूल भी घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो घूम जाएगा, ये कैसे भी, अब तो मैं कैसे दिखाऊँ, लेकिन इसे हम परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं घुमा सकते, ये बात तुम समझ पा रहे हो। तो अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, हम रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कैसा है, थ्रेड से बंधा हुआ है, वो घूमेगा नहीं, मतलब अगर डबल बॉन्ड ऐसा है तो हम उसे रोटेट नहीं कर सकते, यूँ रोटेट नहीं कर सकते कैसे भी, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कितने तरह का होता है इसके बारे में डिस्कशन होना है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड को भी हम लोगों ने देख लिया था कि पाई बॉन्ड में क्या था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर पाई बॉन्ड का है तो ज़रा ध्यान से देखना मेरी बात भाई, है ना, हाँ जहाँ तक दिखाई दे वहाँ देखेंगे। अब इसमें अगर देखो ध्यान से तो ये क्या है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है, दो है, ये दोनों ब्लैक वाले दिख रहे हैं भाई, क्लियर, यार देखो इन्वर्टेड स्क्रीन है इसलिए ब्लैक ही ब्लैक कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बड़ी समस्या है, ठीक ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्लैक कलर तुम्हें दिख रहा है तो देखो इसमें दो ब्लैक कलर हैं या दो वाइट, देख लो वाइट तो क्लियर दिख ही रहे हैं, वाइट वाले देख लेते हैं चलो, ठीक है, तो ये दोनों वाइट दिख रहे हैं तुम्हें। अब इसे हम रोटेट करके ये नहीं बना सकते, इसे हम घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे हम निकाल के, जो आवाज़ आ रही है मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ रहा है ना, इन्हें हम रीअरेंज करेंगे और तोड़ के नया बॉन्ड बना रहा है, देखो ये मेरे हाथ में है ना, इसे हम तोड़ के नया बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब नया बॉन्ड बना रहे हैं तो हमने क्या किया कि जब दोनों वाइट बॉल्स को एक तरफ कर लिया तो ये एक सिनेरियो था, और जब दोनों वाइट बॉल्स अपोजिट साइड थी तो एक सिनेरियो था, ठीक। तो ये दो तरह के सिनेरियो थे हमारे पास कि जब दोनों ब्लैक बॉल या दोनों वाइट बॉल एक तरफ आया और अपोजिट, और हम इन्हें रोटेट करके नहीं बना सकते। तो हम इसे रोटेट करके इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम ये लिख सकते हैं कि हम इसे रोटेट करके ये नहीं बना सकते, सही बात है, कि हम ए को रोटेट करके इसे घुमा दें तो नहीं बना सकते। तो दे आर क्या है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सब कुछ से है ना, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक। अब जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो हम कह रहे हैं कि रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि सब कुछ सेम है, बस स्पेस में अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, द रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, यही तो हमने करके दिखाया था, देखो इस पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर हम इसे घुमाना चाहें तो हम इसे घुमा नहीं सकते थे ना, तोड़ना पड़ रहा था ना हमें नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, भाई घुमा के देख लो नहीं घुमा पा रहे हम लोग इसे, पक्का ना घुमाएंगे टूट जाएगा, यार मजाक की बात, थोड़ी महंगा आता है ना। सो दीज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट इन 3D स्पेस, अगर 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, वो क्या है आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और इसका रिस्ट्रिक्शन है रोटेशन का, इसे रोटेट हम नहीं कर सकते। बात समझ में आई, इतनी क्लियर हो गई बात, कि जब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा पाई बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज होगी, मतलब पहले ए और ए सामने थे, पहले ए और ए सामने थे, अब ए और बी सामने हैं, देख रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया पाई बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्शन। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर भी नहीं, इमेज भी नहीं है, और जो मिरर इमेज नहीं होते हैं एक दूसरे की उन्हें कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स, एक नया शब्द है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। दोज आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये बात बिल्कुल भाई लिख लेना, ठीक। तो विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स, या स्टीरियो आइसोमरिज्म जो हम लोग ऑप्टिकल करेंगे तो वहाँ पर भी लिखवाऊंगा, यहाँ पर भी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, ये मिरर इमेज नहीं है। अब अगर हम क्या करें, काम कर सकते हैं कि हम ऐसा कंपाउंड बना लें कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लिख लें ए, यहाँ पे लिख लें ए, यहाँ पे लिख लें ए, और यहाँ पे लिख लें बी, और अगर हम कहें कि हम इसे ऐसा बना दें, किसी को डाउट आ रहा हो कि इसे यहाँ पे सी लिख लें, यहाँ पे ए लिख लें, तो देखो अगर ध्यान से
तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमें इस बॉन्ड को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें तो देखो ये कंपाउंड बन के आ जाएगा क्या, ये दोनों आइडेंटिकल बन गए। अगर ये दोनों आइडेंटिकल बन गए तो यानी कि दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है और नॉट जी आई, जी आई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये नहीं है। तो ऐसे आइसोमर्स जब ऊपर वाले हमने ये लिए थे तो इनमें हम अगर हम मिरर कहीं पे भी तुम रख के देख लो कोई सी भी सिमेट्री इसमें नहीं मिलेगी, किसी भी एंगल से मिरर रख के तुम दूसरा वाला मॉलिक्यूल बना दो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्राई कर सकते हो घर पे तुम मिरर रख लो, और बॉलिस्टिक मॉडल तो होगा नहीं घर पे लेकिन फिर भी इमेजिनेशन से तो कर ही सकते हो ना यार, ठीक है। तो ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, ये बात ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब और जो कंपाउंड्स मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उन्हें हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उन्हें डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में कई बार पूछी जाती है, ठीक। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू रिंग। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू रिंग का क्या मतलब है कि अगर हमने एक ए यहाँ रखा, एक ए यहाँ रखा और एक ए यहाँ और एक ए यहाँ, तो हम इस कार्बन को रोटेट करके ये नहीं बना सकते, ठीक। तो ये दोनों क्या है, हम इसे रोटेट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्योंकि रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर हम चार मेंबर की रिंग बना लें, पैरेललोग्राम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि तुम्हें बढ़िया से दिखाई दे जाए, चार मेंबर की रिंग बना ली, इधर हमने ए लगा लिया, इधर बी लगा लिया, इधर ए लगा लिया, इधर बी लगा लिया, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे बी लगा लें, यहाँ पे ए लगा लें और यहाँ पे ए लगा लें, यहाँ पे बी लगा लें, तो ये भी क्या है आपस में जी आईज हैं क्योंकि इसके अबाउट भी रोटेशन अलाउड नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए चार मेंबर की रिंग एक लिख के भी आया हूँ, कार्बन चारों दिख रहा है, ठीक, कार्बन चारों दिख रहे हैं और ये ऑरेंज कलर वाली बॉल भी दिख रही है तुम्हें, ठीक। अब देखना जरा कि चार कार्बन, पहले चार कार्बन देख लो यार, चार कार्बन है बिल्कुल क्लियर। अब इसमें एक दोनों ऑरेंज बॉल सामने सामने हैं, दोनों ऑरेंज बॉल देखो सामने सामने है ना, एक दूसरे के सामने हैं दोनों दिख रही हैं। अब अगर हम चाहें कि इसे हम रोटेट कर दें और इसे घुमा दें तो हम इसे रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि रोटेट करने से क्या होगी, रिंग रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अगर हमें ऑरेंज वाली बॉल को नीचे ले जाना है तो हम क्या करें, एक को पकड़ लें, इसे ब्रेक कर दिया, देखो ऑरेंज वाला भी निकाल दिया, बात क्लियर समझ में आ रही। अब हम बॉन्ड तोड़ के बना रहे हैं नया, यानी कि नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अब देखो ऑरेंज वाली बॉल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, देखो ये ध्यान से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गई ना, ये तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। सॉरी वो टूट के गिर गया बॉन्ड एक, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तीसरा केस होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स होता है सिंपल क्राउडिंग। जो पहली बार इस शब्द को सुनना है 11th वाले वो समझ जाएं कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब भीड़। तो हुआ क्या कि अगर मैं इन एरोज को हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो मेरी बात तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी कि CH3 एक बड़ा ग्रुप है और ब्रोमीन का साइज भी बहुत बड़ा है। तो इनिशियली हो क्या रहा था कि ये सारी रिंग्स पहले क्या होंगी, रेजोनेंस में होंगी, सब कुछ SP2 है, रिंग्स आराम से रेजोनेंस कर रही होंगी सब, ठीक। अब हमने CH3 ET BRCl इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो इन बड़े ग्रुप की वजह से क्या होगा कि इन लोगों के बीच में आएगा स्टेरिक रिपल्शन, क्या आ जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन, क्या आ गया, स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस कह लें या रिपल्शन कह दें एक ही बात है, स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। अब इस स्टेरिक हिंड्रेंस को बचाने का तरीका क्या है, बचाने का तरीका ये है कि या तो ये वाली रिंग प्लेन के बाहर चली जाए, अभी ये रिंग देखो ऐसी है, मेरे दो ही हाथ है, तीन तो नहीं हो सकते, अभी ये ऐसी रिंग्स हैं तो सब कुछ प्लेन में है, ठीक, और ये अभी दूर दूर हैं, लेकिन अब ये पास आ जाए, अगर ऐसे आ जाए तो इनके बीच में देखो लड़ाई होना शुरू हो जाएगी ना, तो ये क्या करेगी, रिंग अपने आप को ये वाली रिंग ऐसे घुमा ले, एक इसी प्लेन में रहे और एक घुमा ले ऐसे करके, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में हो गए, देखो थम्स दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है ना, एक नीचे दिख रहा, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में है दोनों।
अब ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तो इनके बीच का स्टैटिक रिपल्शन खत्म हो गया क्योंकि अब थंब दूर हो गए दोनों, हो गए ना भाई। बात समझ में, बहुत क्लियरिटी से आनी चाहिए, बहुत कठिन बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से कि हुआ क्या, कि यही बात अगर समझ में आ गई ना तो समझ लो जीआई क्लियर है। फिर तो मैं जीआई में दिक्कत नहीं, बाकी सब तो कहानी किस्सा है, वो हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये फील आना जरूरी है कि जब दो लोग पास आ रहे हैं तो किसी एक को मुड़ना ही पड़ता है। अगर भीड़ हो जाती है, तुम सीधे मेट्रो में नहीं घुस पा रहे, तो तुम क्या करते हो, अपने आप को परपेंडिकुलर प्लेन ले जाकर घुसाने की कोशिश करते हो। मान लो ऐसे जा रहे थे, नहीं घुस पाए तो ऐसे होकर चले गए, ठीक, यही करते। तो अब एक ऑप्शन ये था कि ये वाला बॉन्ड घूम जाए तब भी ये वाला रिपल्शन तो बाकी रह जाता, तो या दो रिंग घूम जाए या फिर हम ये कहें कि केवल यही वाली रिंग प्लेन के बाहर चली जाए, यही वाली रिंग प्लेन के बाहर चली जाए और मॉलिक्यूलर प्लेन को छोड़ दे। तो अगर ये मॉलिक्यूलर प्लेन को छोड़ दे तो ये वाली रिंग हमने मान लिया कि ये इतना पोर्शन जो है वो प्लेन के बाहर चला गया, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये प्लेन के बाहर आ गया और ये प्लेन के अंदर चला गया, इतना हिस्सा प्लेन के अंदर चला गया। ओहो पूरे चला गया, तो इसे थोड़ा दूर से कर लेते हैं ना, इसका कलर हम लोग कुछ पर्पल ही कर। अरे यार क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतने ही को ले लें, नहीं हो पा रहा, सॉरी। ठीक है, दो कलर अभी भी हैं, चल जाएगा, ऐसा काम हमारा, ठीक। तो इतने पोर्शन को हमने क्या किया, जो वेज पे आ गया वो प्लेन के बाहर आ गया, जो डैश पे है वो प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब ये BR और ये CS3 दोनों दूर दूर हो गए, ये लोग दूर दूर हो गए, ये AT और CL भी दूर दूर हो गए। अब भाई साहब प्लेन में रिपल्शन नहीं बचा, मॉलिक्यूल में रिपल्शन नहीं बचा, इसमें नो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली सिचुएशन है, इस मॉलिक्यूल में नो स्टेरिक हिंड्रेंस है, कोई कोई स्टेरिक हिंड्रेंस इनमें नहीं है। अब हम क्या करें कि हमने वो जो बाहर है उसे वहीं रहने दिया, CS3 और ET की पोजीशन चेंज करी, हम यहाँ पे ET लाना चाहते हैं, यहाँ पे CS3 लाना चाहते हैं, तो हमने नीचे मॉलिक्यूल बनाया। अब जब हम ET को CS3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे होंगे तो हमने क्या किया होगा, बेंजीन रिंग को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया होगा भाई, यही तो करा होगा कि ये रिंग ऐसी थी पहले और इसे घुमा के हम ऐसे ले आए, इतना ही तो करा। यार मैं खड़ा होकर बताता तो ज़्यादा अच्छा बता पाता, लेकिन हम लोग तो अभी बैठ के ही पढ़ पाएंगे, ठीक। ये ऐसे था और ये घूम कैसे आया, बात समझ में आ रही तो कमेंट करके जरूर बताना यार, बड़ी मेहनत लग रही समझाने में ना। तो जब ये ऐसे घूम रहा होगा और जो पड़ोस वाली रिंग है, पड़ोस वाली रिंग कहाँ पे, पड़ोस वाली रिंग ऐसे इस प्लेन में है, तो जब ये घूम के ऐसे हो रहा होगा तो कभी ना कभी इस प्लेन में आना पड़ेगा इसे। भाई देखो ये अभी ऐसा है, इसे घूम के ऐसा होना है और ये रिंग ऐसी है परपेंडिकुलर, तो जब ये अपना प्लेन चेंज कर रहा होगा 180 डिग्री तो कभी 90 भी होगा, और 90 पे वो आने नहीं देगा, कहेगा रिपल्शन चक्कर में यार तो हम बाहर गए थे तो मैं फिर घूमना, तो वो क्या करेगा, इस रिंग को रोटेट होने से रोक देगा, तो रेस्ट्रिक्ट कर देगा रोटेशन को, क्या कर देगा यहाँ पे इस रिंग के रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली केस है। बात समझ में आई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से, बात ध्यान से सुनना, ये दोनों कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये भी क्या है, GIs हैं, क्योंकि इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए ये भी कैसे एक्ट करेंगे, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह एक्ट करेंगे। बात समझ में आनी चाहिए कि एक रिंग, फिर से सुन लो मेरी बात, कि एक रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में है, दूसरी इस प्लेन में थी, इसे खुरापात सूझी कि चलो अपना प्लेन चेंज करके देखते हैं मजे, लेकिन ये क्या कहेगी कि तुम्हारे चक्कर में पहले तो हम ऐसे ऐसे थे, रिपल्शन चक्कर में हम ऐसे हुए, अब तुम्हें फिर से प्लेन चेंज करना, तो नहीं करने देंगे यार, दूर रहो भाई, है ना, ठीक। तो ये बात हो गई। अब जो ऊपर एग्जांपल हमने लिखा था कि अगर हम दो ग्रुप एक जैसे कर दें, ए टाइप के दो ग्रुप कर दें, ये ए बी है, तो जब ए टाइप के दो ग्रुप एक जैसे कर देंगे तो इसे हम रोटेट भी करेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इस प्लेन के अबाउट क्या बन गई, इसकी मिरर इमेज बन गई। तो ये सारे कंपाउंड तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। अब इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया, अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो मैंने इसे इंग्लिश में भी लिखा है, फॉर अ कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ए को बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है, समझ में आनी चाहिए आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक। साथ साथ नोट करते हुए चलो भाई, तभी मजा आएगा, ठीक। अब हमने क्या बनाया, हमने बना लिया ब्यूटीन को,
जब ब्यूटीन बनाई तो दो सी एस थ्री एक बार अपोजिट रखी और एक बार सेम साइड रख लिए, ठीक। अब एक तरीका और है कि अगर कुछ भी ना समझ में आए तो लेंथ मेज़र करो, तो सी एस थ्री से सी एस थ्री की लेंथ मेज़र करना यहाँ पे कितनी है, मान लेते हैं एल वन है और यहाँ पे सी एस थ्री से सी एस थ्री की डिस्टेंस कितनी है एल टू। अगर एल वन इज इक्वल टू एल टू आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, और एल वन नॉट इक्वल टू एल टू आया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। तो अगर L1 और L2 सेम है यानी कि प्लेन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉलिक्यूल सेम ही बनेगा, तो हम उसे कहेंगे उसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है। लेकिन अगर L1 इज नॉट इक्वल टू L2 आया, इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, जो मैंने दो पॉइंट बना के यहाँ पे लिख दिए हैं कि इफ़ L1 इज इक्वल टू L2 देन नो जी आई विल बी ऑब्जर्व, बट इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2 द जी आई विल बी ऑब्जर्व, ठीक है। बात समझ में आ रही है यार, यहाँ तक क्लियर है, हम लोग एक एक बात को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम जो लोग पढ़ रहे हैं वो सारे सेलेक्ट हों, है ना, मेरी ऐसी इच्छा है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से कि तुम्हें जितना सपोर्ट हो सकता है बिंदु, और कुछ ज़रूरत हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूँगा यार कि वो भी करूँ, तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दूँ, लेकिन तुम पास हो जाओ, है ना। बात समझ में आई कि हम दूरी तो नाप सकते हैं, अगर हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं समझ में आ रहा तो डिस्टेंस तो नाप ही सकते हैं, पेन किसमें ज़्यादा चलाना पड़ेगा। अब इंची टेप लेके मत बैठ जाना कि सेंटीमीटर में नापो, स्केल लेके बैठ गए ना, ठीक। अंदाज से बताना है कि L1 इक्वल टू L2 होगी या नहीं होगी। अब जब हमने दो कंपाउंड बना लिए सिस और ट्रांस, मतलब दो कंपाउंड हमने बना लिए जिसमें CH3 कहाँ था, CH3 अपोजिट साइड था और CH3 सेम साइड था, तो हमें इनका नाम भी रखना पड़ेगा क्योंकि टू ब्यूटीन कहने से काम नहीं चलेगा, इनका दोनों ही टू ब्यूटीन है। तो एक को हमने नाम रख दिया ट्रांस और एक का नाम रख दिया सिस, ठीक है। ट्रांस माने होता है अपोजिट और सिस माने होता है सेम। सिस फॉर मींस द सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर ऑन द सेम साइड, दोनों बॉन्ड के सेम साइड होंगे तो हम उसे सिस फॉर्म कहेंगे। सिस कम्स फ्रॉम सिसॉइड एंड ट्रांस कम फ्रॉम ट्रांसॉइड, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग हमने पढ़ा था बचपन में, ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, तो वो पूरे ट्रांस साइबेरिया था, साइबेरिया को पूरा पार करके आ रहा था अपोजिट तरफ, है ना, तो ट्रांस का मतलब अपोजिट है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्मर वाली ट्रांसफॉर्म नहीं है, ट्रांस और फॉर्म के बीच में स्पेस है, ठीक है। वेन द सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम ऑन द अपोजिट साइड तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। जब सेम ग्रुप ऑफ एटम्स अपोजिट साइड पे होंगे तो हम उसे ट्रांस कहेंगे। तो सिस कब कहेंगे, जब सेम साइड में होंगे, जब ट्रांस कब कहेंगे, जब अपोजिट साइड में होंगे। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देख लें इसका, तो ये क्या है, देखो इसमें सिस कैसी है अप, सी एस थ्री भी कैसी है अप, तो सी एस थ्री सेम साइड पे, इसमें हाइड्रोजन कहाँ दिखाएंगे, हाइड्रोजन देखो डाउन दिखा सकते हैं यहाँ पर, तो सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये कैसी सिस फॉर्म है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कहाँ दिखाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ दिखाएंगे और इसमें हाइड्रोजन यहाँ दिखाएंगे, तो इसमें अप और डाउन है तो फिर क्या है, ट्रांस है। अगर अपोजिट मिल गए तो ट्रांस और सेम साइड मिल गए तो सिस, ठीक। इतनी बात समझ में आई, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दे देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। इतना तो मेरा जिम्मेदारी बनता ही है कि मैं तुम्हें कुछ होमवर्क के लिए दूँ, और तुम कमेंट करके लिखना कि क्वेश्चन नंबर दिस आंसर इज दिस। एक काम करूंगा मैं, वीडियो अगर नहीं बनाऊंगा तो इनके सोल्यूशन लिख के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें सारे आंसर साथ से मिलना शुरू हो जाएंगे, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है अपना उसी पे मिलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और PYQs यार पूरी ऑर्गेनिक लगभग 2022 की मैंने डिस्कस कर रखी है यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए वेबसाइट पे भी PYQs के नाम से एक कोर्स आया है, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें सारी शीट्स मिल जाएंगी और सॉल्यूशन सारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। तो 2022 की पूरी ऑर्गेनिक पहले से ही डिस्कस्ड है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। और धीरे धीरे करके हम लोग 2022 की सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे अगले एक महीने में, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ने वाली है तुम्हारे क्लासेस की, ठीक है। और फिर हम लोग 2021 और 2023 को भी करेंगे, बिल्कुल एकदम श्योरिटी से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब तो कंपाउंड सिस है या ट्रांस है ये हमें बताना है इसमें। तो देखो दोनों हाइड्रोजन कैसे आ गए, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आए तो ये क्या हो गई, सिस हो गई। हम बॉन्ड एंगल्स का ध्यान रखेंगे। इसमें भी दोनों हाइड्रोजन कैसे आ गए, सेम साइड आ गए, तो ये भी कैसी हो गई, सिस हो गई। अगर दो पाई बॉन्ड है तो हम दोनों पाई बॉन्ड को अलग अलग लिखेंगे कि ये वाला पाई बॉन्ड कैसा है, ये वाला पाई बॉन्ड सिस है, और ये वाला पाई बॉन्ड भी कैसा है, ये भी सिस है, ठीक।
इसे देख लो भाई, इसमें हाइड्रोजन एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो ये कैसी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म, हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड है, ट्रांस दिख रहे हैं। अब एंगल्स का ध्यान रखोगे तो मिल जाएगा, एस पी टू का एंगल 120 होता है, तो ये एंगल ऐसे ही अरेंज होंगे, ये एच यहाँ पे आएगा, ये एच यहाँ पे आएगा, तो ये कैसी हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई। इसमें देखो एच, दोनों एच बाहर की तरफ ही आएंगे, तो ये कैसी हो गई? सिस फॉर्म हो गई। इसमें देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे हैं? अपोजिट हैं, तो ये कैसी है? ट्रांसफॉर्म है। इसमें दोनों फ्लोरिन सेम साइड है, तो ये कैसी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। इसमें दोनों एच सेम साइड हैं, तो ये कैसी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। इसमें दोनों एच अपोजिट साइड हैं, तो ये कैसी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत नहीं, मिनट भर से भी कम लगा करने में, और आसानी से बात समझ में आ गई सबको। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं, तो ये होमवर्क के लिए हैं, होमवर्क के लिए हैं, इनके आंसर्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये सारे डिस्कस नहीं करने, जितने बॉन्ड हैं सब पे हमें सिस्ट्रांस लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें दो बॉन्ड हैं तो मेरे को दोनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि दोनों सिस हैं या ट्रांस हैं। और अगर एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम आ गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वहाँ पे सिस या ट्रांस नहीं लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं लिखेंगे। आप सोचो यार, अगर मैं इतने स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊँगा बैठ के, तो टाइम जाया होगा ना बेकार के लिए, तुम्हारा कीमती समय में ले लूँगा। तो पहले क्या करना है, वीडियो देखना है, पॉज करना है, तुरंत नोट्स डाउनलोड करके पहले नोट्स से सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस पे पहुंचना है और फिर करके रखने हैं अपने पास में, ठीक है। तो ये 11-12 क्वेश्चन हैं, इन्हें करेंगे। अब समस्या इस बात की आई कि कुछ मॉलिक्यूल्स को हम सिस या ट्रांस कह ही नहीं पाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को हम सिस या ट्रांस नहीं कह पाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स को सिस या ट्रांस नहीं कह पाते, उनका एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल कैसा ले लेंगे, जैसे अगर हमने एक डबल बॉन्ड पे क्या किया, FCl-BrI जोड़ दिया, ठीक है, हमने क्या जोड़ दिया, FCl-BrI जोड़ दिया। अब हमने क्या किया कि इस बॉन्ड को रोटेट किया, रोटेट करने की कोशिश की, रोटेट तो हुआ नहीं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, तो आई ऊपर आ गया, Br नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस मेज़र करें तो Cl और I की डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं L1, और Cl और I की डिस्टेंस यहाँ पे देखो ज़्यादा पेन चलाना पड़ा L2, तो L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं, लेकिन सेम एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेम साइड हो नहीं सकते, क्योंकि चारों एटम्स अलग अलग हैं। समस्या होगी ना भाई कि चारों एटम्स अलग अलग हैं तो सेम साइड तो हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमने एक नया नोमेनक्लेचर डिसाइड किया, जिसे हमने कहा ईजी नोमेनक्लेचर, इसे EZ भी कह सकते हो, EZ भी कह सकते हो। एक ऐसा नोमेनक्लेचर है EZ या EZ, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर कैसा है, EZ या EZ नोमेनक्लेचर है, ठीक। तो मैंने इसके लिए लिखा कि वी कैन नॉट क्लासीफाई देम एज सिस और ट्रांसफॉर्म, हम उसे सिस या ट्रांसफॉर्म नहीं कह सकते, बिकॉज नो टू ग्रुप्स आर सेम, सारे ग्रुप्स कैसे हैं, डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, तो हम उसे सिस या ट्रांस नहीं कह सकते, ठीक है। बात क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, ठीक। अब ऑर्गेनिक में तो यार ऐसे ही चलेगा ना कि मैं क्वेश्चन साथ में करवाता चलूँगा, उतना और क्वेश्चन तो मैं कुछ घर के ले दूंगा, उनके होमवर्क हम लोग टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे और इसी से हम लोग ऑर्गेनिक पूरी सीख लेंगे, ठीक है। और यार एक किसी बच्चे ने कहा था कि सर हाइड्रोकार्बन्स और वो अल्कोहलाइड आ जाना चाहिए, अभी GOC चले 11th वाले टॉपिक, तो बेटा वो ज़रूरी है तुम्हारे सेहत के लिए। अगर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स आ जाएंगे ना तो तुम परेशान हो जाओगे, ध्यान रखना, है ना। तो अल्काइल हैलाइड के थ्रू ही मैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू मैं अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल भी साथ साथ कराता हुआ चलूँगा, फिर उन चैप्टर्स पे भी आऊँगा, स्पेसिफिकली SN1 SN2 E1 E2 ये सब करेंगे, लेकिन वेट करो, है ना, पहले GOC आइसोमेरिज्म आ जानी चाहिए। देखो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार बहुत सरल है ना कोर्स, आराम से पढ़ के जाओ, फ्लिंकेशन पढ़ जाओ, स्वाट्स पढ़ जाओ, दो चार रिएक्शन और याद कर जाओ, SN2 का एग्जाम्पल, SN1 का, स्कूल पेपर ख़त्म हो जाना। स्कूल पेपर के लिए काहे को परेशान होते हो, ठीक, स्कूल के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब E stands for एंटेगनन, एंटेगनन मीन्स होता है अपोजिट फॉर्म, एंटेगनन माने होता है अपोजिट यानी ट्रांसफॉर्म, और Z stands for ज़ोसामाइन यानी सेम साइड यानी कि सिस फॉर्म, तो अपोजिट और सेम साइड, ठीक। अगर हम अब हम किसे अपोजिट और किसे सेम साइड कहेंगे कि क्या अपोजिट है, तो उसके लिए डिसाइडर होते हैं CIP रूल्स। CIP रूल्स को कहते हैं कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स, क्या कहते हैं, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स। ये रूल्स कई जगह गलत पढ़ा दिए जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, तुमने जो पढ़ा उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। तो रूल क्या कह रहा है
कि पहला रूल तो ये है कि ऑल द रूल शुड बी फॉलोड इन सीक्वेंस गिवन बिलो। पहला रूल यही है कि सारे रूल्स को सीक्वेंस में फॉलो करना है, किसी को बाईपास करना नहीं है, कि पहले जो कहा गया वो पहले उसी की बात मानेंगे। तो पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। प्रायोरिटी किस में ज़्यादा होगी हम बताएंगे, लेकिन जैसे अगर एफ सी एल बी आर आई लगे हैं तो एफ की प्रायोरिटी कम होगी सी एल की उससे ज़्यादा, बी आर की उससे ज़्यादा, और एफ की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए, ठीक। जैसे एस एफ ओ एन सी एच में ले लें तो एस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि एस का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। ये बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल से, ठीक। तो प्रायोरिटी अगर हमें डिसाइड करनी हो, जैसे हमने क्या किया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, जिससे तुम्हें फिर से फील आए नई नई सी, ठीक है। बात तो पुरानी है, नए पैकेट में रखेंगे। तो अब एक कार्बन पे हम इस कार्बन पे चेक करेंगे, पहले वाले कार्बन पे, ठीक है। इस कार्बन पे एफ और सी एल में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, सी एल की ज़्यादा है और एफ की कम है। आई और बी आर में आई की ज़्यादा है और बी आर की कम है। तो सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, तो इसमें क्या हो गया, सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड का मतलब क्या है कि दिस इज जी फॉर्म, ठीक। इसमें देखो इसकी प्रायोरिटी वन इसकी टू, ठीक, इसमें इसकी वन और इसकी टू, ठीक। ये आयोडीन है, ठीक, थोड़ा लहराता हुआ था लेकिन है आयोडीन। तो सेम प्रायोरिटीज ऑन द अपोजिट साइड, लिख देते हैं इसमें सेम प्रायोरिटी इज ऑन द अपोजिट साइड, तो इसे हम ई फॉर्म कहेंगे, ठीक। बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इन केस ऑफ आइसोटोप्स, पहले आइसोटोप को नहीं देखेंगे, पहले एटॉमिक नंबर को देखेंगे। अगर दो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। और आइसोटोप्स के लिए हम मास नंबर चेक करते हैं कि अगर आइसोटोप आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी जिसका मास नंबर ज़्यादा है, ठीक। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स हायर एटॉमिक मास हायर विल बी द प्रायोरिटी। तो टीडीएच में किसकी ज़्यादा होगी, ट्राइटेरियम की ज़्यादा होगी, C14 और C12 में C14 की ज़्यादा होगी, सिंपल बात है। अगली लाइन जरूरी है कि सिस फॉर्म हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रांसफॉर्म, इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि सिस फॉर्म हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रांसफॉर्म एंड जी हैज मोर प्रायोरिटी देन ई फॉर्म। जी की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, ई से। तो सिस फॉर्म की प्रायोरिटी ज़्यादा है ट्रांस से और ई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा है ई से, ठीक। अब मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड में क्या होता है कि जो ऊपर हमने रूल लिखे हैं इन्हीं से काम चल जाता है, ए बी से, और हम इनसे काम पूरा पूरा लगभग लगभग चला लेंगे स्कूल लेवल पे तो बड़े मज़े से। लेकिन अगर सवाल को घुमाया गया तो, अगर सवाल को घुमाया गया तो हमें एलेबरेट करना पड़ेगा रूल नंबर ए को। इंग्लिश में है, पढ़ते हैं, हिंदी में समझाऊंगा तब समझ में आएगा, इंग्लिश में तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी, देखना कि कितना कठिन लगेगा। पढ़ देता हूँ एक बारी कि एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम मस्ट बी सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सब रूल ए, ठीक, जो पहला लिखा था। इफ द प्रायोरिटी स्टिल रिमेंस द सेम वन मस्ट पास ओवर टू द नेक्स्ट एटम इन द ग्रुप एंड एक्सप्लोरेशन कॉन्टिन्यूज अंटिल अ डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सब रूल ए। मतलब कि इतनी बड़ी लाइन लिखी, इसे छोटे से छोटे तरीके से बताते हैं कि अगर हमें पहले पॉइंट पे मिसमैच नहीं मिला तो हम आगे बढ़ जाएंगे और जहाँ पे मिसमैच मिलेगा वहाँ पे हम रुकेंगे और वहीं से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे कि ये CH2 है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन, लड़ाई बराबर हो गई। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, लड़ाई बराबर हो गई। आगे चले, यहाँ पे कार्बन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, कौन जीत गया, कार्बन हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कार्बन की, ठीक। आगे देखो, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, लड़ाई बराबर हो गई। यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, कौन जीतेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन जीत जाएगा। यहाँ पे देखो आगे भाई, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, लड़ाई बराबर हो गई, CH2 लड़ाई बराबर हो गई। यहाँ पे BR और यहाँ पे CL, तो BR और CL में किसकी ज़्यादा होगी प्रायोरिटी, BR की ज़्यादा होगी, होगी।
तो इसे क्या लिखेंगे, इट मे बी नोटेड दैट द सब रूल बी मस्ट नॉट बी यूज्ड। अब अगर आइसोटोप भी आ रहे हैं तो भी हम उसे यूज नहीं करेंगे जब तक कि सब रूल वन कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए। जब तक कि पहले वाला जो सब रूल अभी हमने लिखा एक्सट्रपोलेशन वाला, ये अगर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा तो हम सब रूल बी को यूज नहीं करेंगे, ए को कंप्लीटली खत्म होने देंगे, पूरा हो जाने देंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। जैसे यार ये एक तो सीआईपी रूल जरा धीमे से पढ़ना, आरएस में भी काम आएंगे, आरएस नॉमेनक्लेचर भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, ये बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम खोटी नहीं करेंगे यार, है ना, काम पूरा करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम बड़ा कीमती है मेरा भी और तुम्हारा भी, है ना। तो ये CH2 हो गया, यहाँ पे CD2 हो गया। अब यहीं पे डिसाइड हम नहीं करेंगे कि यहाँ पे डिसाइड करके कहानी ख़त्म करें। पहले कार्बन है, यहाँ कार्बन, लड़ाई बराबर होगी, आगे कार्बन, आगे कार्बन, उसके आगे कार्बन चेन देखना है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी डिसाइड हो गई कि किसकी ज़्यादा है, इसकी। डी पे नहीं रुकेंगे, डी पे कब रुकेंगे, जब पेरेंट चेन वाले कार्बन सब बराबर हों, तीनों में तीन तीन कार्बन है। अब हम डी को देखेंगे, जिसका डी है उसमें प्रायोरिटी जाता है, तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। पहले डिसाइड नहीं करेंगे, पहले हम एक्सप्लोर करेंगे आगे तक के ग्रुप्स को, अगर हमें सब जगह सिमिलरिटी मिली तब हम लोग आइसोटोप वाला रूल यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात बढ़िया से समझ में भी आ रही है, मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसी कोशिश है कि तुम्हें बढ़िया कंटेंट दूं और बढ़िया से सिखा सकूं, है ना। जिन लोगों ने कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी वो कमेंट जरूर करें कि सर डिफरेंस फील है या नहीं है, मतलब मेरे को फीडबैक चाहिए यार, सिंपल बताऊं क्या कहूं, ठीक। चलो भाई अब क्या करें, इन केस ऑफ ग्रुप बाइफरकेट्स वन मस्ट प्रोसीड अलॉन्ग द ब्रांच प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट प्रेसिडेंस आंसर अंटिल अ डिफरेंस इज एनकाउंटर्ड। मतलब कह रहा है कि जब अगर कोई ग्रुप बाइफरकेट कर रहा है, बाइफरकेट मतलब उसकी ब्रांचिंग हो रही है, अब एक ग्रुप था उससे एक और उसकी टांग निकल आई, ठीक है, तो प्रोसीड अलॉन्ग द ब्रांच प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट प्रेसिडेंस अंटिल अ डिफरेंस इज एनकाउंटर्ड, ठीक। तो अगर ग्रुप बाइफरकेट हो रहा है तो जब तक मतलब ब्रांच पे चलेंगे जब तक कि कोई डिफरेंस एनकाउंटर नहीं हो, और जैसे ही मतलब हमें डिफरेंस एनकाउंटर हुआ वहीं पे हम अपना डिसीजन बना लेंगे, आगे वाले के बारे में नहीं सोचेंगे। द डिसीजन मस्ट बी मेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड वंस मेड कैन नॉट बी रिवर्स फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट फार्दर अलॉन्ग द चेन। मतलब एक बार कमिटमेंट कर लिया फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, आगे रसगुल्ला रखा है तो नहीं, हमने गाजर का हलवा खाना था खा लिया, अब आगे चाहे रसमलाई रखी हो हम नहीं खाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल में देखो क्या करें कि यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2, यहाँ CHCH3, यहाँ पे CHCH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CL आया, यहाँ पे CH3, तो CL जीत गया, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई, सिंपल कहानी। अगला देखो, अगले में यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, लड़ाई बराबर चल रही है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ओह CH3 बड़ा होता है H से, तो हमने यहीं पे डिसाइड कर लिया कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि अगर हम आगे चलते, इस कार्बन से आगे बढ़ते तो यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ पे भी CH2 था, और यहाँ पे OH आ जाता, लेकिन हमने इस OH को जो दूर रखा हुआ है उसे प्रायोरिटी नहीं दी, जो पहली अपॉर्चुनिटी पे हमें डिसीजन मेक करने का मौका मिला हमने वहीं डिसीजन ले लिया और आगे हम उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट करके चले, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से। अब इन केस ऑफ एटम्स विद मल्टीपल लिंकेजेस की बात करें, इन केस ऑफ एटम्स विद मल्टीपल लिंकेजेस द एटम टू विच दे आर मल्टीपली बॉन्डेड मस्ट बी डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड एज द केस मे बी एट द बोथ एंड्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर हमें मल्टीपल लिंकेजेस हैं तो जो डबल बॉन्ड है उसे हम दो बार बना लेंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे तीन बार बना लेंगे, ट्रिप्लीकेट कर देंगे। तो जैसे अगर हमसे कोई पूछ दे कि इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, COOH में और COOH-OH-OH में, तो कैसे देखेंगे हम इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो C से एक OH जुड़ा हुआ है, अब हमने क्या किया, डबल बॉन्डों को देखो डुप्लीकेट कर दिया, एट बोथ हैंड्स लिखा है, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी करेंगे। तो देखो ये क्या बन गया, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लिया हमने, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक।
हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लिया हमने, तो हमने क्या बताया कि अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन लड़ाई बराबर, यहाँ OH लड़ाई बराबर, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कार्बन वाला जीत जाएगा हाइड्रोजन वाले से, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आ जाएगी। इसके लिए अपने आप बना के देखोगे, ये होमवर्क है, तुम्हें बताना है किसकी प्रायोरिटी, और मेरे को अगर टेलीग्राम पे व्हाट्सएप कर सको, टेलीग्राम पे मैसेज कर सको तो वहाँ पे भी मैसेज करके इमेज भेजना, मैं बताऊँगा, और जिसका सबसे अच्छी इमेज होगी उसे मैं खुद पोस्ट कर दूँगा। ये कर सकते हैं, ये कंपटीशन रखते हैं कि जिसकी इमेज सबसे अच्छी होगी, जिसने सबसे सही आंसर और सबसे सुंदर लिख के दिया होगा, उसे हम टेलीग्राम पे पोस्ट करके उसे टैग कर देंगे, उसे बताएंगे कि मेड बाय हिम, ठीक है, और हर। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई ई और जी नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं, इसमें क्वेश्चन 10 है, तो मैं 5 करूँगा, 5 तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, ऑब्वियसली छोड़ना ही बनता है, इतने तो 5 ही करूँ, ठीक रहेगा, तो 5 करके 5 तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, जो तुम घर पे अटेम्प्ट करोगे। सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखो कैसे। अब क्या हुआ, इसमें एफ और बी आर में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, बी आर की, आई और सी एल में आई की, तो ये क्या बन गया, ये जी बन गया। ऐसे ही देखो H और O में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, O की। F और N में, N बड़ा ग्रुप लगा हुआ है लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, F की, क्योंकि हम पहले एटम पे देखेंगे, तो ये क्या बन गया, Z बन गया। अब ET और ME में, ET और ME को अगर चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख लो CH3 और यहाँ पे लिख लो CH2CH3, तो CH2CH3 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी CH3 से। H और BR में ऑब्वियस बात है BR की ज़्यादा होगी, तो ये क्या बन गया, E बन गया, ठीक। इसे देखो कार्बन 12 और कार्बन 14 में किसकी ज़्यादा है, कार्बन 14 की ज़्यादा है, तो कार्बन 14 की ज़्यादा है, तो ये क्या बन गया, ये E बन गया। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ रही है, तो E। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी तुम घर से करोगे, ये उम्मीद है मुझे। तो इसमें देखो D और H में किसकी ज़्यादा है, D की ज़्यादा है, क्योंकि आइसोटोप्स में देख रहे हैं, एफ और डी में एफ की ज़्यादा है, तो ये जी बन गया। चलो एक और कर देते हैं, इसमें कार्बन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है, तो ये भी जी बन गया। तो ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इन्हें करके रखेंगे बिल्कुल हम लोग ईमानदारी से, कोई इसमें बट किंतु परंतु नहीं आना चाहिए किसी के दिमाग में, ठीक। बात क्लियर हुई, समाप्त हुई, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमने अभी तक क्या किया कि लोन पेयर को हमने काउंट ही नहीं किया, CIP रूल हमने सारे पढ़ लिए और लोन पेयर को हमने छोड़ दिया, लोन पेयर की हमने चिंता नहीं कर पाई। अब अगर लोन पेयर की चिंता नहीं कर पाई हमने, तो लोन पेयर के लिए भी कुछ हमें नॉमेनक्लेचर रखना पड़ेगा। मान लो ऑक्साइम्स आ गए, इनका अगर हम नाम साफ साफ लिख दें तो मैं नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या है, ये ऑक्साइम्स है, ये क्लास ऑफ कंपाउंड है जो हम लोगों ने लिखे थे, ऑक्सीमेनोड टोटोमेरिज्म लिखी थी उसमें ऑक्साइम्स बनाए थे, ठीक। तो ऑक्साइम्स में देखो कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें CH3 और OH की डिस्टेंस यहाँ पे L1 है और यहाँ पे डिस्टेंस L2 है, और L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है, तो ये भी क्या है, ये भी GI है, ठीक। तो इसके लिए एक नया नॉमेनक्लेचर डिस्कवर किया गया जिसे सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर कहा गया, इसके लिए एक नया नॉमेनक्लेचर डिस्कवर किया गया जिसे सिन या एंटी नॉमेनक्लेचर कहा गया। सिन या एंटी कहते हैं, सिन मतलब होता है सेम साइड और एंटी मतलब अपोजिट। हमेशा अगर हम कहते हैं हम तुम्हारे एंटी हैं तो अपोजिट ही हैं। तो इसमें हम नाम कैसे रखेंगे, हम क्या करेंगे, OH के रिस्पेक्ट में बताएंगे, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर के अलावा जो ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो हम कहेंगे कि H जो है वो सिन है, किसके, सेम साइड है OH की, और CH3 कैसा है, एंटी साइड है, इसे एंटी लिखा हुआ है, इज एंटी विद रिस्पेक्ट टू OH, ठीक। चलो एक सवाल है, इसका होमवर्क है ये, इसे बताना कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिना चीटिंग किए, बिना गूगल किए कमेंट करके बताना है कि कितने जरूरत होगी, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स की, ठीक। साइक्लोएल्केन्स में क्या होता है कि 3 से लेकर 7 मेंबर की रिंग, 3 to 7, 3 से लेकर 7 मेंबर की रिंग जो होती हैं वो डबल बॉन्ड की वजह से, यहाँ 7 तक की ले लेते हैं, डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं, पाई बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं, क्योंकि वो कैसी होती हैं, दे आर रिजिड। वो कैसी हैं,
रिजिड हैं। 3 से लेकर 7 मेंबर तक की रिंग कैसी होती है, छोटी होने की वजह से रिजिडिटी होती है और वो पाई बॉन्ड की वजह से जबरदस्त इसोमेरिज्म शो नहीं कर पाती हैं। 8, 9, 10 की रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा, भाई बड़ी चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना आसान काम है, तो 8, 9, 10 की रिंग्स बड़ी होती हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं और उनकी ट्रांसफॉर्म जो होती है वो कम स्टेबल होती है, सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। इन जनरल क्या होता है अगर हम इन जनरल बात करें तो इन जनरल क्या होगा, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। इन जनरल ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, सिस फॉर्म से। लेकिन अगर हम 11, 12 और 13 मेंबर रिंग की बात करें तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो भी करेंगी और उनकी ट्रांसफॉर्म जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी सिस फॉर्म से। ठीक, तो जैसे अगर हमने सिस ब्यूटीन, सिस ऑक्टीन बनाई है, क्या है, सिस ऑक्टीन है, तो इससे हम ट्रांस ऑक्टीन बना सकते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या है, ये 3D में है बॉन्ड, ये रिंग के ऊपर से निकल के गया है। ठीक, लेकिन हम इसमें केवल सिस फॉर्म ही बना सकते हैं, 5 मेंबर की रिंग में ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कहते हैं कि इफ एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो 2^n आ जाते हैं, वेयर n इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर और एरिया। स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियोजेनिक एरिया का क्या मतलब है, स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक एरिया का मतलब होता है जहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है उसे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक एरिया कहते हैं। ठीक, जहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है उसे स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक एरिया कहते हैं। तो जैसे अगर हम इसे देखें तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया कितना है, 1 है, तो n=1 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ गए, 2 आ गए, और 2 कौन से हैं, ये एक बन गया, कौन सा हमारा, एक बन गया सिस और एक बन गया ट्रांस। ठीक, लेकिन अगर एंड ग्रुप सेम है यानी कि मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आते हैं वो 2^(n-1)+2^(p-1) आता है, 2^(n-1)+2^(p-1) आता है, वेयर p इज इक्वल टू n बाई 2 अगर n ऑड है, और n+1/2 इफ n इज, मतलब n इवन है तो n/2 और ऑड है तो n+1/2, यानी कि ओवरऑल हमें कैसा बनाना है इसे, मतलब इवन ही बनाना है। तो ये इसमें देखो एंड ग्रुप सेम है और इसमें n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो n की वैल्यू इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल TNGI का मतलब टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो कितना हो जाएगा, 2^(n-1)+2^(n/2-1) यानी कि इसके कितने बनने चाहिए, n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा 2^(2-1)+2^(1-1) यानी कि 2+1 यानी कि 3 बनेगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के काउंटिंग के क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा, चलो कुछ सेंड कर दूंगा, इसी PDF के लास्ट में मिल जाएंगे, उनमें तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के काउंटिंग निकालनी पड़ेगी कितने बने इसमें। ठीक है, अब या क्वेश्चंस कर लोगे अपने आप ढूंढ के, शीट में होंगे ही, बिल्कुल वैसे कर लेना, यहाँ पर रहने देते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जिनकी मिरर इमेज सेम नहीं होती है, यानी कि वो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना बनता है और बिल्कुल करा जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इन जनरल क्या होगा कि सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे, ट्रांसफॉर्म से। तो हमने मान लिया कि कोई ऐसी एल्कीन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसमें सिस फॉर्म में देखो नेट डाइपोल मोमेंट ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिनका कैसा इफेक्ट होता है, जिनका कैसा इफेक्ट होगा, -i या -m। ठीक, GOC सब लोगों ने देख रखी है, तो माइनस और आई और माइनस एम अगर लगे हुए हैं तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इनकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ट्रांसफॉर्म में ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट क्या आ जाएगा, कैंसिल कर देगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉन जीरो। ठीक, तो व्हेन वन ग्रुप, अगर दोनों ग्रुप एक जैसे लगे, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो सिस फॉर्म की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगी किससे, ट्रांसफॉर्म से। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, तो इसका वेक्टर ऐसा लगेगा, और ये डोनेट कर रहा होगा, इसमें क्या कर रहा होगा, ये खींच रहा होगा और ये डोनेट कर रहा होगा, तो इसमें म्यू
इसका ज़्यादा आ जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो दोनों में ही आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो दोनों में आएगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट इस फॉर्म का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कोई कैंसिलिंग फैक्टर नहीं है। इसमें देखो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो वेक्टर का कैंसिल हो जाएगा इस वाले फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो जाना, इसमें दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे एक दूसरे में, तो म्यू की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, जिसमें दोनों, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ट्रांस होंगे उसमें ज़्यादा होगी। तो मैंने यही लिखा है कि म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस होगा, ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, जिसका मास ज़्यादा उसे उड़ना मुश्किल काम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका उसका ज़्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें हो रही होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, और डाइपोल मोमेंट भी जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस डेवलप हो जाएंगे और उनके डेवलप होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी पे, तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी सॉलिड स्टेट में, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि जिनकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए और एम्प्टी स्पेसेस कम होने चाहिए। इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म का ज़्यादा होता है सिस फॉर्म से, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहाँ पे दिखती है वो अगर हम केस लिखें तो तुम समझ जाओगे कि स्पाइरेंस की बात कर रहे हैं या फिर हम एल्केलेडीन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कंपाउंड लिख दें, एक एग्जांपल ले रहे हैं बस, है ना, काम तो ख़त्म हो गया हम लोगों का, कि अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले लें और ये पूछे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में करेंगे, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम लोग अगली क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को देखेंगे, या कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे वाले कंपाउंड्स भी तो नहीं किए, मेरे को पता है नहीं किए, ठीक, लेकिन हम लोग इन्हें सबको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में करेंगे। जब हम लोग सिमेट्री के बारे में और बेहतर से जानते होंगे तो हम ऐसे कंपाउंड्स को उठाएंगे और फिर उनके लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करा जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐसे ऐसे अजीब से कंपाउंड भी कर लेंगे कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है और ऐसा है, यहाँ पे कंपाउंड लगा यहाँ पे लगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आसानी से डिस्कस की जा सकती है और हम लोग करेंगे भी, ठीक है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी तरह से ख़त्म कर दी मैंने आज के लेक्चर में। अच्छे से प्रिवाइज करके बैठोगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बहुत बढ़िया आएगी। इसमें क्रक्स क्या सीखना है, क्रक्स इजी नॉमेनक्लेचर सीखना है, सिस्टम सीखना है, और हमें सीखना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और एक और चीज़ का इंपॉर्टेंट सीखनी है जो है सीआईपी रूल। कान इनगोल्ड प्रीलॉग को ढंग से सीख लोगे तो फिर काम आसान हो जाएगा, नहीं तो दिक्कतें आने वाली हैं, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखो अपना, बहुत पढ़ाई करो, और थर्सडे वाली क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म करेंगे, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो क्लास लग जाएगी क्योंकि एक में मैं कन्फर्मेशन भी पढ़ाऊंगा, कन्फर्मेशन में टाइम लगेगा, ठीक है। तब वहाँ पे एल्केन्स की स्टेबिलिटी पे एक बार और डिस्कशन होगा जम के, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखना अपना, बहुत सारी पढ़ाई करना, और बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कोर्स टाइमली ख़त्म होगा और तुम सेलेक्ट होके रहोगे, लेकिन करना तुम्हें बस इतना ही है कि लोगों तक पहुँचाना है, शेयर करते रहो यार, अच्छा लगता है कमेंट करते हो, और हर कमेंट भी जब मैं बोलूँ तो कम से कम कमेंट कर दो यार, इतनी तो इज्जत रखो ही ना, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।